रेट्रो स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश क्लास 11th हॉर्नबिल से चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कुशवंत सिंह के द्वारा जो लिखी गई है उसका फुल समरी पढ़ेंगे। पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि उनकी दादी जो रहती हैं वो बहुत बूढ़ी हो गई होती हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई होती हैं, उनका जो बाल होता है वो सफ़ेद हो गया होता है। ये कहते हैं कि ये मानना बहुत ही कठिन था, ये बिलीव करना बहुत ही कठिन था कि कभी वो यंग भी हुआ करती थी और बहुत प्यारी भी हुआ करती थी। कुशवंत सिंह कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का पिक्चर उनके ड्राइंग रूम में लगाया गया होता है और देखने में वो भी बहुत हैंडसम दिख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उनके दादाजी बड़ा सा टर्बन पहने हुए होते हैं, उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो लूज होते हैं और देखने से ये पता चल रहा था कि उनके दादाजी का जो उम्र होगा नियर अबाउट 100 ईयर्स होगा। ये मानना बहुत कठिन था कि इतनी सुंदर दादी माँ अपने यंग एज में हुआ करती थी और उनके जो दादाजी हैं वो भी बेहतरीन हुआ करते थे, हैंडसम हुआ करते थे, तो इनके कम से कम कई बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन क्या बात है कि इनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। बात होती है अगले पॉइंट में देखेंगे कि उनका क्या तरीका होता है, हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो किस तरीके से चीज़ों को करती हैं। कुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर होती हैं, कुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर होती हैं वो एक शॉर्ट लेडी होती है, मतलब हाइट ज़्यादा नहीं होता है, वो थोड़ी सी मोटी भी होती हैं और थोड़ी सी झुक भी गई होती हैं। वो सीधे चल नहीं सकती बुढ़ापे की वजह से और वो पूरे घर में घूमा करती थी, अपने घूमने वो पूरे घर में घूमा करती थी और घूमने का जो तरीका था जैसे बूढ़े लोग घूमा करते हैं अपने कमर पे हाथ रख के, उस तरीके से सी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पे हाथ रख के वो पूरे घर में घूमा करती थी। बताया जा रहा है इसमें कि हमेशा कुछ ना कुछ इनके मुंह से निकलता ही रहता था। बताया यह जा रहा है कि उनका जो लिप्स हुआ करता था वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता था और मूव करने का कारण ये था कि हमेशा कोई ना कोई वो प्रेयर कर रही होती थी। उनका जो कपड़ा होता था वो भी कैसा होता था, वाइट हुआ करता था और उनका जो सिल्वर लॉक्स है, लॉक्स का मतलब होता है बाल, जूड़ा, जो जूड़ा होता है बाल का उसे हम लोग लॉक्स कहते हैं, और जो सिल्वर लॉक्स रहता है इट स्कैटर्ड ओवर हर पील फेस, मतलब उनके चेहरे के चारों तरफ से है ना बाल क्या हुआ रहता है, फैला रहता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे विंटर में माउंटेन पे स्नो होते हैं उस तरीके से उनका चेहरा प्रतीत हो रहा होता है। जो पिक्चर रहता है उनके सामने, कुशवंत सिंह के सामने जो पिक्चर कुछ कुशवंत सिंह के सामने होता है ऐसा प्रतीत होता है कि वो एकदम धैर्यपूर्वक है, पीस में है ना, कंटेंटमेंट है। बताया जा रहा है कि वो ओल्डर दिखी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी लेकिन वो ओल्ड कभी दिखी नहीं क्योंकि उनको वो 20 साल से देख रहे थे कि जैसी हैं वैसी अभी भी हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हर डेली रूटीन। ग्रैंड मदर जो रहती हैं कुशवंत सिंह की बहुत अच्छी मित्र होती हैं, मतलब दोनों लोग बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि कुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में चले जाते हैं शहर में और उस बच्चे को बेचारे को गांव में छोड़ देते हैं, क्योंकि दादी जो होती हैं वो उसकी केयरिंग बहुत अच्छे से करती हैं, सुबह सुबह जल्दी उठाती हैं उसे और उसको स्कूल के लिए रेडी भी करती हैं, वो मॉर्निंग प्रेयर इस तरीके से गाती हैं जैसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बेहतरीन धुन बजा रहा हो, गा रहा हो, और हमेशा उनके मन में एक ही ख्याल रहता था, वो हमेशा एक ही उम्मीद लगा के रखी रहती थी कि जो बच्चा है कुशवंत सिंह वो उस प्रेयर को क्या कर ले, लर्न कर ले, लर्न बाय हार्ट, हृदय से लर्न कर ले। उनकी जो वॉइस थी है ना, ग्रैंड मदर की जो वॉइस थी वो वॉइस कभी भी ऐसी नहीं थी कि कुशवंत सिंह को बुरा लगे, लेकिन कुशवंत सिंह को क्या पड़ी थी, कुशवंत सिंह का बस एक ही चीज़ था कि हमें नहीं लर्न करना है, उन्होंने ऐसे कहा
कर दिया, मान लो कि कसम ही खा लिया है। देन सी वुड फेच हिज वुडन स्लेट। क्या होता था कि जो ग्रैंड मदर हैं खुशवंत सिंह का, वुडन स्लेट जो होता है वो खोजती हैं और उसको बहुत बढ़िया से धुल देती हैं, उसको बढ़िया से रगड़ देती हैं ताकि उस पर चौक आसानी से चल सके। और उसके बाद जो अर्दन इंक पॉट होता है और उसके साथ साथ वो क्या करती हैं कि एक रीड का पेन लेती हैं, पेन जो हाथ से बनाया जाता है जिसे हम लोग कंडा भी कहते हैं, वो पेन बनाती हैं और एक अर्दन इंक पॉट उसके लिए लेती हैं। उसके बाद क्या करती थी कि वो उन सभी को एक बंडल में टाई कर देती थी और उसको दे देती थी। उसके बाद क्या होता था, दादी क्या करती हैं कि जो रात में चपाती बनाई हुई होती हैं उसमें वो घी और चीनी लगा के खुशवंत सिंह को दे देती हैं और वही उनका ब्रेकफास्ट होता है। और अपने साथ साथ वो क्या करती हैं कि बहुत सारे बासी चपाती लेके जा रही जाती हैं। और वो किस लिए ले जाती हैं, ताकि जो विलेज के जो डॉग्स हैं उनको वो खिला सकें। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ कंडीशन ये होता था कि वो खुशवंत सिंह को अपने साथ स्कूल लेके जाती थी और स्कूल जो था वो एक टेंपल के ठीक बगल में ही था। इट वाज अटैच्ड टू द टेंपल, मतलब टेंपल इधर है और टेंपल के ठीक बगल में वहाँ पे क्या है, स्कूल है। जो प्रिस्ट उसमें का रहता है, जो पंडित रहता है उसमें का, वो क्या करता है कि बच्चों को अल्फाबेट सिखाता है और साथ ही साथ मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता है। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है, जो चिल्ड्रन होते हैं वहाँ पे, जो बच्चे होते हैं वे दो रो में बैठ जाते हैं वरांदा में और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट और प्रेयर जो होता है वो कोरस में एक साथ मिलकर गाया करते थे। जितने देर तक पढ़ाई चलता था ग्रैंड मदर टेम्पल के अंदर बैठी रहती थी, और बैठी ही नहीं रहती थी, वो साथ ही साथ जो होली बुक्स होते हैं वो होली बुक्स को रीड करती रहती थी। साथ ही साथ जब ये होली बुक इनका ख़त्म हो जाता है पढ़ना, खुशवंत सिंह होते हैं उनकी स्टडीज़ स्कूलिंग होता है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद वो लोग दोनों साथ में घर जाते हैं। जब ये वापस घर जाने लगते हैं तो जो गांव के जो कुत्ते होते हैं वो टेंपल के गेट पे डोर पे भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या करती हैं दादी माँ और ये खुशवंत सिंह, जो चपाती पूरा बासी बासी जो रोटी लेकर आई होती हैं वो रोटी उन लोगों को दे देती हैं, फेंकती हैं ऐसे। जब फेंकती हैं तो जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुर्राने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन ये तो गांव का सिनेरियो था, अब आता है आपका जो मेन इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो नरेटर के पेरेंट्स हैं वो उन्हें अपने शहर बुला लेते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, और शहर बुलाने के बाद क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है इनके फ्रेंडशिप में। किनके फ्रेंडशिप में, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के फ्रेंडशिप में, चूँकि ये लोग एक ही रूम शेयर करते थे। लेकिन कंडीशन अब ये आ चुका था कि अब ग्रैंड मदर उस बच्चे को लेके स्कूल साथ नहीं जा सकती थी। जो खुशवंत सिंह थे, जो नरेटर हैं, वो क्या किया करते थे कि वो इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और वो जाते थे कैसे, मोटर बस से जाते थे। जैसे गांव में कुत्ते हुआ करते थे वैसे यहाँ पे स्ट्रीट पे कोई कुत्ते दिखाई नहीं देते हैं और आसपास भी कुत्ते नहीं होते हैं, इसलिए ग्रैंड मदर को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वो स्पैरोज़ को क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, फीड करना स्टार्ट कर देती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि समय बीतता जाता है, नरेटर यूनिवर्सिटी जाने लगते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि उनको एक अलग रूम दे दिया जाता है। अब जो एक कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था इन दोनों के बीच में, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है। जो ग्रैंड मदर होती हैं वो एकदम लोनली हो जाती हैं, एकदम क्वाइट रहने लगती हैं। वो हमेशा क्या करती हैं कि वो बिज़ी रहती हैं अपने स्पिनिंग व्हील्स को लेके, प्रेयर वो रिसाइट करती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि वो किसी से बात भी नहीं करती हैं ज़्यादा, बस दोपहर में क्या करती हैं कि वो कुछ समय के लिए रिलैक्स करती हैं, और उसके बाद उनको जब समय मिल जाता है तो वो स्पैरो उसको क्या करती हैं, दाने खिलाने लगती हैं। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि जब वो दाना खिला रही होती हैं स्पैरोज को, तो एक आध स्पैरो नहीं आते, हंड्रेड ऑफ स्पैरो आ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। और इतना
चिल्लाते हैं, इतना शोर कर रहे होते हैं ये स्पैरोज कि पूछो ही ना। कुछ उनके पैर पे बैठ जाते हैं, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पे भी आके बैठ जाते हैं। लेकिन वो कभी भी उन लोग को डराने का प्रयास नहीं की। बस वो क्या करती थी कि जितने देर वहाँ पे रहती थी, टाइमिंग भी मेंशन किया हुआ है, हाफ आवर ऑफ द डे, मतलब पूरे दिन में आधे घंटे वो स्पैरोज के साथ रहती थी। होता क्या था कि वो आधे घंटे जो रहता था उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था। आता है समय जब कुशवंत सिंह को पार्ट करना होता है, कुशवंत सिंह को अब अपने उस शहर से भी दूर जाना होता है हायर स्टडीज के लिए, अब्रॉड जाना होता है। उस समय का कंडीशन क्या होता है कि ग्रैंड मदर चूँकि बूढ़ी रहती हैं, और ऐसा कंडीशन हो गया होता है कि वो किसी भी मोमेंट में उनकी मृत्यु हो सकती है। चूँकि इन दोनों के बीच में इतना घनिष्ठता था कि अब अगर नरेटर अब्रॉड जाके अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहेगा तो कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे, और 5 साल का मतलब दादी और भी ज़्यादा तनहा हो जाएंगे। नरेटर जो थे वो बहुत वरिड थे, लेकिन ग्रैंड मदर अपसेट थोड़ी भी नहीं थी। वो किसी प्रकार का कोई इमोशन नहीं दिखाई। वो रेलवे स्टेशन पे आई तो ज़रूर, क्यों आई? कुशवंत सिंह को सी ऑफ करने के लिए। उनका जो लिप्स था उस समय भी प्रेयर चैंट ही कर रही थी, उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में ही कहीं गुम था। उनका फिंगर जो था इट वॉज बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, सी किस्ड हर फोरहेड साइलेंटली। द नरेटर थॉट दैट इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन देम। वो इतनी बेचैन थी कि वो बता नहीं सकती थी, लेकिन बावजूद उसके वो क्या करती हैं कि जाती हैं कुशवंत सिंह के पास, और कुशवंत सिंह का जो माथा होता है साइलेंटली किस कर देती हैं। और ऐसा लगता है नरेटर को कि जो उनके बीच में फिजिकल कंटैक्ट अभी हुआ है वो शायद लास्ट ही था। उनके मन में ऐसा विचार आ जा उनके मन में ऐसा विचार आ जाता है। कुशवंत सिंह जो रहते हैं वो अब उनकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी है और वो रिटर्न हो रहे हैं। द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद कुशवंत सिंह रिटर्न हो रहे हैं, और जो ग्रैंड मदर हैं वो मिलने के लिए उसे स्टेशन पे जा चुकी हैं। उस समय भी वो बूढ़ी नहीं दिख रही थी, चूँकि वो स्टेशन पे पहुंची तो थी, लेकिन कुशवंत सिंह से कुछ नहीं बोली, बस उसको अपने बाहों में जकड़ ली। उस समय भी वो प्रेयर ही रिसाइट कर रही थी, और कंडीशन ये था कि वो स्टेशन से वापस आई तो स्पैरो को फीड की जैसे हमेशा करती हैं, लेकिन जैसे ही शाम हुआ वो प्रे नहीं की, वो प्रेयर चैंट नहीं की। वो क्या की कि जो नेबरहुड की जो महिलाएं थी उनको कलेक्ट किया, उन्होंने ओल्ड ड्रम लाया और ओल्ड ड्रम बजा के बहुत घंटों तक क्या उन्होंने किया, उन्होंने सिंगिंग किया। और सिंगिंग किससे रिलेटेड था, जब कोई वॉरियर कोई जंग जीत के वापस आता है घर तो उसके स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है उस प्रकार के गीत दादी माँ अपने उस पोते के लिए अपने उस बच्चे के लिए गाती हैं, और उन्हें चुप कराने का प्रयास तो किया जाता है कि बस अब हो गया, बहुत समय से आप गा रही हैं, अब तो मान जाइए। लेकिन वो मानती नहीं है, वो इतनी मग्न है इतनी खुश हैं, उनकी खुशी को जाहिर करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि वो प्रेयर करना भूल गई थी। लास्ट पॉइंट है, और ये ग्रानी के लाइफ का लास्ट सीन भी है। जिस इवनिंग वो उन्होंने इतना बेहतरीन गीत गजल गाया अपने पोते के रिटर्न होने की खुशी में, नेक्स्ट मॉर्निंग उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, और वो अनहोनी वो होती है कि ग्रैंड मदर जो होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, उनको बहुत भयंकर फीवर हो जाता है, और ऐसा प्रतीत हो जाता है कि उनका मृत्यु नज़दीक होता है। वो स्वयं कहती हैं सबसे कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी मौत नज़दीक आ चुकी है। सी रियलाइज दैट सी हैड फॉरगेटन टू प्रे, सी डिडेंट वॉन्ट टू टॉक। उनको ऐसा लगता है कि वो प्रेयर करना भूल चुकी हैं, और प्रेयर भूलने की वजह से ही उनके साथ ऐसा हुआ है। वो उसके बाद किसी से बात करना नहीं चाहती हैं, वो कहती हैं कि अब इन सब फालतू चीज़ों में मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है, और वो इग्नोर कर देती हैं, और इग्नोर उन लोगों को कर देती हैं, उनके रिक्वेस्ट को उनसे बात नहीं करती हैं, और पीसफुली बेड पे सो जाती हैं। वो
प्रे करती रहती हैं कंटिन्यूसली, और फाइनली उनका जो लिप्स होता है वो चलना बंद हो जाता है और उनका जो फिंगर होता है वो लाइफलेस हो जाता है। उनके जो चेहरे का रंग होता है वो एकदम उड़ जाता है और वो एकदम पीसफुल हो जाती हैं, और फाइनली ये क्लियर हो जाता है कि ग्रैंड माँ मर चुकी हैं। उनको ज़मीन पे सुला दिया जाता है और उनको रेड शॉल से कवर कर दिया जाता है और उनके फ्यूनरल का अरेंजमेंट स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अटैचमेंट ऑफ स्पैरो। चूँकि दादी मैग एक्सपायर हो गई होती हैं, सी वॉज नो मोर। अब चूँकि ये इवनिंग का समय होता है और सन सेट हो रहा होता है, वो लोग उड़न स्ट्रेचर लाते हैं, वो कोर्टयार्ड में जा रहे होते हैं और आधे रास्ते में जाके ही रुक जाते हैं क्योंकि हजारों के तादाद में डेड बॉडी के पास स्पैरो बैठी हुई होती हैं। वो चिरअप नहीं करती हैं, वो लोग थोड़ी भी नहीं चहचहाती हैं, और एवरी वन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। सबको बहुत बुरा लगता है। नरेटर की जो मदर होती है कुछ ब्रेड लाती हैं और उसको छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ देती हैं और उन स्पैरोज के सामने फेंकती हैं, लेकिन बर्ड टुक नो नोटिस ऑफ देम। बर्ड जो रहती हैं, स्पैरोज जो रहती हैं, वो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती हैं उन पे। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग दादी माँ के डेड बॉडी को बाहर लेके चले जाते हैं और फाइनली जो स्पैरोज होती हैं वो लोग क्वाइटली उड़ जाती हैं। और क्या होता है कि जो ब्रेड दिया गया होता है वो वहाँ पे काफ़ी देर तक कोर्टयार्ड में वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, और एविडेंटली द स्पैरो हैड कम टू मोर्न द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो स्पैरोज थी दादी के मरने का जो दुख था वो व्यक्त करने के लिए अंततःगत्वा आ गई होती हैं, और फाइनली यहाँ पे आपका स्टोरी जो है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज़।